हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 10 सितंबर 2020। 10 सितंबर 2020 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स के उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। बात करते हैं, आप वाईफाई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? आपका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य, केरल राज्य। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनब्रो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन का अध्ययन कर दें। आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू की गई है? आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? हुनर हाट, ऑप्शन नंबर 3, 9 अक्टूबर को। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बॉस समूह को लॉन्च किया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा को 3 लाख टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है? आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
नेशन कप के स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? 100वां इंटरनेशनल गोल, ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो ने 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे, हम उतना ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चुन चुन के क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं।